स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी एक चेकलिस्ट पे बात करेंगे जिसके बेसिस पे आप किसी भी मार्केट कंडीशन पे अपना ट्रेड आसानी से प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस तरीके के अपडेट्स देखना पसंद करते हैं तो अभी कीजिए इसे सब्सक्राइब, और ऐसे अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन को ऑन रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब कभी हम अपने लिए एक ट्रेड प्लान करते हैं, हमें समझना होता है क्या है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड के बेसिस पे अगर कोई भी ट्रेड लिया जाए तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इन केस आपको कोई ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले तो आप बोथ कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। इन केस कोई साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिले तो ऑप्शन सेलिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। इसके बेसिस पे हमने एक ग्राफ आपके लिए ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट है उससे आपको डिफरेंट ट्रेंड के बारे में देखने को मिलेगी। ये जो लेफ्ट साइड का ट्रेंड है जहाँ पे हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं वो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, जिसके बाद हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन को देखा तो ये हो जाता है साइडवेज ट्रेंड। और जब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको एक डाउन ट्रेंड जैसी मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। सो गाइस, जब कभी आपको ऐसे एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफी अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, और अगर मार्केट साइडवेज चला जाए तो आप ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। कैश ट्रेड में आपको कुछ ऐसे कंसोलिडेशन में थोड़े प्रॉब्लम रहेंगे तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग उस केस में काफी बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। इसके बाद आपको देखना है क्या है आपका ट्रेड ट्रिगर। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो आप दो केसेस को कंसीडर कर सकते हैं, इधर मार्केट अप ट्रेंड पे होगा या फिर डाउन ट्रेंड पे, या फिर आप साइडवे मार्केट में एक ब्रेकआउट ट्रेंड को देखेंगे। इनकेस अगर आप पुल बैक पे कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको पुल बैक का वेट करना है, और आप जब उस लेवल को यहाँ पे फिर से रीटेस्ट होता हुआ देखेंगे एक मार्जिनल डिप के बाद, तो आपका ट्रेड कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर इस चीज को देखना चाहें तो ब्रेकआउट में हम देखेंगे इधर मार्केट अप ट्रेंड पे होगा या फिर डाउन ट्रेंड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्विंग्स फॉर्म हो रहे हैं इससे हमें एक हायर हाइज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। एक टाइम पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस बना, जिसके बाद हमने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसमें देखा, और इसका जो रेजिस्टेंस जोन था उस लेवल के आसपास हमने फिर से मार्केट में एक बिल्डअप को देखा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और जब इसने एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पे एक ट्रेड आप इंट्राडे में अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड चाहिए और वो भी साइडवेज मार्केट में, तो आप मार्केट में ऐसा एक रेंज ड्रॉ कीजिए। अगर कोई अपर रेंज बनता है तो उस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और लोअर रेंज जो फॉर्म होगा उसके ऊपर भी आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। जब यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो, इस लोअर कैंडल के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आपको देखने को मिले एक हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि उसके नीचे जरूर एक सेलिंग आने वाली है। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी गारंटीड आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उस कैंडल के बाद आपको एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखे तो आप एक सेल ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको पुल बैक को ट्रेड करना है तो आप देखेंगे कि स्टॉक यहाँ पे अपना प्रीवियस हाई का जो रेंज है वहां से एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या इसे वो रीटेस्ट कर रहा है या फिर नहीं, तो आप उस पुल बैक पे एक ट्रेड अपने लिए कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ट्रेड को कंफर्म करना। तो ट्रेड कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी एक ट्रेड को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो आपको कुछ ऐसे फेक ब्रेकआउट्स भी देखने को मिलेंगे जिस पे अगर कोई भी ट्रेड अगर लिया जाए तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने के लिए आपको कंसीडर करना है टाइम फ्रेम, वॉल्यूम इंडिकेटर और ऑप्शन चेन का।
यानी टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। अगर आपने 5 मिनट के कैंडल्स पे प्राइस एक्शन को देखते हुए कुछ ट्रेड्स शॉर्टलिस्ट किया है तो आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड सिमिलर आपको देखने को मिले तो आप उस ट्रेड को अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं। ये होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसके बाद आपको देखना है इधर उस टाइम पीरियड पे आपको वॉल्यूम पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिला है या फिर नहीं। इन केस अगर ऐसा भी हुआ है तो आप कंफर्म करेंगे इंडिकेटर्स के बेसिस पे, क्योंकि इंडिकेटर्स से हमें यह पता चलता है कि अगले कुछ पीरियड में प्राइस मूवमेंट कैसा रह सकता है। ऑप्शन चेन का फायदा आपको तभी उठाना है जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस एफएनओ वाले स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहें तो। यहां पे आपको पुट और कॉल साइड से पता चलेगा कि लोग किस लेवल पे ऑप्शंस बाई कर रहे हैं या फिर ऑप्शन राइटिंग कहां पे चल रही है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि मार्केट का ट्रेंड यहां से कैसे रह सकता है। इसके बाद आपको देखना है अपना रिस्क और रिवॉर्ड आपको कैसे रखना है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका टारगेट और स्टॉप लॉस, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आप प्रॉफिट करेंगे या फिर आपको होगा लॉस। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं यानी 1 मिनट या फिर उससे थोड़े बड़े कैंडल्स पे आपको ट्रेड्स लेना आता है, वो होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, तो आपका रिस्क यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा। उस केस में आपका जो रिस्क है यानी स्टॉप लॉस है उसे आपको टारगेट से थोड़ा ज्यादा रखना है, यानी अगर आप 10 पॉइंट का टारगेट लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 12-15 रुपीस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मूवमेंट काफी जल्दी होगा तो आपको इस लेवल पे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना होगा। इनकेस अगर आप इंट्राडे में 5 मिनट या फिर 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करना आना चाहिए। इन केस अगर आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड्स लेना चाहें तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 का रहना होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम ज्यादा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिवॉर्ड लेने के मौके ढूंढने होंगे। सो इस केस में आप 1:2 या फिर उससे ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशियो है उसे कंसिडर कर सकते हैं। और गाइस जो अगला पॉइंट है वो है आपको कितना कैपिटल रिस्क पे लगाना है वो रहेगा। सो कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले ये समझ ले कि एक सिंगल ट्रेड पे आप अपना कितना अमाउंट यहां पे रिस्क में डालने वाले हैं। सपोज आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं या फिर आप स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं तो आपको एक दिन में 10 या फिर उससे ज्यादा ट्रेड्स लेने होते होंगे तो आपका रिस्क लेवल हाई है। सपोज आपके पास 100 रुपीज है तो आपको एक ही दिन में उस 100 रुपीज से ट्रेड नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा मैं तो अपने केस में 20-25% पे ट्रेड करता हूं, तो आप भी अगर चाहें तो 20% अपना एंटायर ट्रेडिंग कैपिटल से एक दिन में ट्रेड कीजिएगा। इन केस अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो एक ट्रेड पे ज्यादा से ज्यादा 2-3% का आप रिस्क ले सकते हैं, और इंट्राडे में अगर आप एक दिन में 2-4 ट्रेड लेते हैं तो आप मैक्सिमम 5% अपना जो ट्रेडिंग अमाउंट का उसे आप ट्रेड कर सकते हैं। इन केस अगर आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड लेते हैं तो उस केस में आपको देखना है कि आप एक महीने में कितना ट्रेड लेंगे और उस बेसिस पे यहाँ पे आपको अपना अमाउंट ब्रेकअप करना होगा। इन केस अगर आप पोजिशनल के लिए एटलीस्ट 30% आप कंसिडर करते हैं अपना टोटल ट्रेडिंग अमाउंट का तो आप एट मैक्स 5-6% अपने कैपिटल का इस ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क सबसे कम है तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी ज्यादा रहेगा, और आप अगर चाहें तो इस केस में सबसे ज्यादा 5-6% तक के कैपिटल यूज कर सकते हैं। सो गाइस इन सब के बाद आपको देखना है कि आपके न्यूज के सोर्सेस क्या है जिसके ऊपर आप अपना जो प्लान है उसे हर दिन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने कुछ न्यूज आर्टिकल जहां से मैं कलेक्ट करता हूँ उसका लिंक दिया है, तो लाइव मिंट, मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम जैसे कुछ रिलायबल मार्केट न्यूज सोर्सेस से आप यहाँ पे
मार्केट के न्यूज और अनाउंसमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको न्यूज के बेसिस पे कोई ट्रेड लेना है तो ये बात समझ लीजिए कि एज ए रिटेल ट्रेडर जो चीज आपको आज पता चल रही है वो बड़े प्लेयर्स यानी FIIs और DIIs को कुछ दिन पहले से पता चल रही चुकी होगी। सो ये आपको अभी इसीलिए पता चल रही है क्योंकि वो यहाँ पे एग्जिट अपने लिए प्लान कर रहे हैं। तो आप अगर इस केस में कोई ट्रेड लेना चाहें तो आपको कम से कम क्वांटिटी से यहाँ पे कोई ट्रेड अपने लिए प्लान करना होगा। इनकेस अगर ये ट्रेड गलत चला भी जाए तो आपको ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद आपको सोचना है कि आपका एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। सपोज आपने कोई ट्रेड प्लान किया और उस प्लान के मुताबिक आपने ट्रेड भी कर लिया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ट्रेड गलत चला जाए, तो उस केस में हमें क्या करना है इसके ऊपर हमने ऐसे कुछ केसेस आपके लिए बताए हैं। सबसे पहला केस, अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं और आपने अप टू 5x मार्जिन ले रखा है तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस के ऊपर अपना ट्रेड को एग्जिट करेंगे। इनकेस इधर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा तो बार बार आपको अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना। इनकेस अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप अपना टारगेट हिट होने पे अपना ट्रेड को एग्जिट करेंगे, और इंट्राडे में अगर आप 10 टू 15 मिनट के कैंड पे ट्रेड लेते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। इनकेस अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो इस केस में भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एग्जिट लेना है, क्योंकि अगर आपका ट्रेड गलत चला जाए और आप एवरेज आउट करते हैं तो लॉस बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टॉक बाय नहीं कर रहे, आप लॉट में बाय कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट को ब्लो अप कर सकता है। इन केस जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं उन्हें बता दूं, इस केस में आपको एडजस्टमेंट्स आने चाहिए, यानी आप हेजिंग के मदद से अपना लॉस कम कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट इसीलिए होता है कि आपका लॉसेस को आपको कम करना है। सो अगर आप नए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो सबसे पहला चीज पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, तो पोजीशन साइज के ऊपर बता दूं, सबसे पहले आपको एक लॉट से ट्रेड करना सीखना होगा। जब आप कंसिस्टेंटली उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाए तब आप अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो पीक मार्जिन पेनल्टी के ऊपर रहना चाहिए। यानी अगर आप मार्जिन शॉर्टफॉल के वजह से आपको कुछ पेनल्टी देना पड़े तो ये आपके लिए काफी खराब रहने वाला है, क्योंकि उस केस में यहाँ पे आपको अप टू 0.5% से लेके 5% तक यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ सकता है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिएगा कि आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है, और जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ उतना ही लूज करेंगे जितना उन्होंने प्रीमियम के लिए पे किया होगा। इनकेस अगर आपको कोई चीज अवॉइड करना है तो वो है नेकेड ऑप्शन, तो जो लोग नेकेड पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो उन्हें उस केस में लॉस होना शुरू होता है जब उनके पास उसका डिलीवरी नहीं होता, उसके शेयर्स के डिलीवरी नहीं होते और वो नीचे गिरता रहता है। और अगर जिन लोगों को कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है और उनके पास उसका डिलीवरी नहीं है तो उस केस में उन्हें लॉस तभी होगा जब वो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर मूव करने लगे, तो इस चीज को भी आपको अपने लिए कंसिडर करना है। तो गाइस आखिरी पॉइंट पे बता दूं कि इन सब चीजों के बाद आपको देखना है कि आपका ट्रेडिंग प्लान रेडी है या फिर नहीं। अगर आप अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी आपको लॉस हो सकता है। हो सकता है किसी दिन तुक्के से आपका ट्रेड सही चला जाए, लेकिन अगर प्रॉपर डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करते तो एक ना एक दिन आपका अकाउंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और इसके मुताबिक जब तक आपका ये जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई ट्रेड लेना नहीं बनता, और उसके बाद भी आपको देखना है क्या ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर नहीं। सो गाइस ये थे हमारे कुछ 8 चेकलिस्ट पॉइंट्स जिसके बेसिस पे मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूं। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन से पॉइंट्स आप अपने लिए फॉलो करते हैं। जिन लोगों को हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए वो नीचे इसके डिटेल पा सकते हैं, और ऐसे एक्सक्लूसिव स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के अपडेट्स के लिए आपको हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप के डिटेल्स नीचे देखने को मिल जाएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।